एक इवेंट पर विराट कोहली ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के लिए तारीफों के पुल बांधे। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, पिछले दो सालों में जिस तरह से चीजें हुई है, हमारे पास हमारी बेटी है और एक माँ के रूप में अनुष्का ने जो सैक्रिफाइस किए है वो काफी बड़ा है। उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी समस्याएं उनके सामने कुछ भी नहीं है। अनुष्का मेरे लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन रही है। कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म ज्विगाटो का ट्रेलर हुआ रिलीज। डिलीवरी मैन के रोल में चेहरे पर चिंता ओढ़े नजर आए सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा। मुंबई में हुआ ट्रेलर लॉन्च। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया कि क्यों वो और शाहरुख खान पठान को लेकर हुए विवाद के दौरान शांत रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दोनों ऐसे हैं जो कमिटमेंट, कड़ी मेहनत और विनम्रता को सबसे ऊपर रखते हैं। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आने के कारण हमने सब्र रखने के बारे में काफी कुछ सीखा है। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर किए हैं, लेकिन लोगों को आलिया का ये लुक पसंद नहीं आ रहा है और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि आलिया का ये लुक जी सिने अवार्ड्स के दौरान का है। प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर्स 2023 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स की तारीफ की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इसे एक दिल को छू लेने वाली डॉक्यूमेंट्री बताई है। कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 की शूटिंग पर वापस लौट आई है। उन्होंने फैंस के साथ मेकअप रूम से तस्वीरें शेयर करके ये खुशखबरी शेयर की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कंगना अपने रोल के लिए तैयार हो रही है। वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो अपने प्यारे पेट के साथ सोए हुए नजर आ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी और मलाइका अरोरा ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट फोटो शेयर की है। दोनों ब्लैक साड़ी में कहर ढाती नजर आ रही है। उनकी इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। अमिताभ बच्चन की नई फिल्म का हुआ ऐलान। सेक्शन 84 में आएंगे नजर। कोर्ट रूम थ्रिलर ड्रामा होगी ये फिल्म। अपनी फिल्म ज्विगाटो के ट्रेलर लॉन्च पर कपिल शर्मा ने मीडिया के लिए गाना गाया। वीडियो हुआ वायरल। तुम आ गए हो, मूड आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। ऐसे याद आ गया। थैंक यू फॉर योर टाइम।